हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और उन बच्चों का बहुत ज़्यादा आभार जिन बच्चों ने हमें पसंद किया, जिन्होंने हमें लाइक किया, जिन्हें हमें चुना। आपका विश्वास हम कभी टूटने नहीं देंगे, हम कभी आपके लिए कहीं पर भी कमज़ोर पड़ने नहीं देंगे। इसी के साथ में आज हम बीओ का जो अपना क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। और आज से अगर आप बीकॉम कर रहे हो या बीकॉम में एडमिशन ले चुके हो, बीकॉम की पढ़ाई आपने शुरू नहीं की है या कर दी है, लेकिन यहाँ पर अगर इस वीडियो पे आ गए हो तो मैं आपके लिए बता दूँ, अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पूरे के पूरे 80 प्लस मार्क आने की गारंटी रहेगी हमारी। क्योंकि हम किस तरह से इसके लिए हम पूरा कराएंगे, देखो सबसे पहले हम बताएं कि जितने भी इसमें टॉपिक होंगे उनमें पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से जो प्रश्न हैं वो मोस्टली एग्जाम में आते हैं, उनसे इंपॉर्टेंट बनाएंगे। इंपॉर्टेंट बनाने के साथ में उनके पीडीएफ देंगे, पीडीएफ के साथ में उनका रिकॉर्डेड वीडियोस और लाइव क्लास के माध्यम से हम सारी चीज़ें आपके पास तक पहुँचाएंगे। इसके बाद में 5 मॉडल पेपर और 5 एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट, उनकी तैयारी कराने के बाद में पेपर में कुछ नहीं बचेगा जो आप लिख नहीं आओगे, ओके। और इस तरह से जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे पास में जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी हम ये कंटिन्यू अप कराने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ से आज स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, व्यवसाय की अवधारणा, अर्थ, विशेषताएं, महत्व, प्रकृति तथा विकास की अवस्थाएं। इतने टॉपिक पहले चैप्टर में हैं क्योंकि आपके पास में जो भी बुक होगी उसमें क्या होगा कि हो सकता है कि इस चैप्टर का नाम छोटा हो। वैसे व्यवसाय की अवधारणा, अर्थ, विशेषताएं एवं महत्व, इस नाम से ये चैप्टर हो सकता है। लेकिन इस चैप्टर में हमें कवर करना है व्यवसाय की प्रकृति भी और विकास की अवस्थाएं भी, क्योंकि आज जो डेवलपमेंट हुआ है बिजनेस का, ये प्राचीन काल से ऐसा नहीं था। तो मैं सारा का सारा सब कुछ कवर करूंगा और मैं आज इनके साथ में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, इसलिए मैंने सारा का यहां पर जो चैप्टर है फुल रूप में लिख दिया है, ओके। और यहां पर एक चीज मैं बता दूं कि जब भी अगर कहीं पर व्यवसाय लिखने के लिए आता है, व्यापार लिखने के लिए आता है, तो व्यापार और व्यवसाय में बच्चे अंतर नहीं कर पाते हैं। जबकि व्यवसाय व्यापार से अलग है। व्यवसाय क्या है ये चलिए अभी हम समझाते हैं, क्योंकि व्यवसाय को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। व्यवसाय को क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। लेकिन बिजनेस का मतलब यहाँ पर कुछ टीचर पढ़ाते हैं कि है बिजी रहने से, तो भैया बिजी रहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति है वो दो प्रकार की क्रियाएँ कर सकता है, कौन कौन सी, आर्थिक और अनार्थिक। भाई तुम अनार्थिक का मतलब होता है धार्मिक क्रियाएं, अगर तुम धर्म की क्रियाएं करोगे तब भी तो बिजी रहोगे। बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे जो धार्मिक का काम करते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं, वो हमेशा बिजी रहते हैं। तो बिजनेस का जो अर्थ है, वास्तव में उसका सही अर्थ क्या है, वो किस तरह से लिखोगे, तो सुनो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, हालांकि पीडीएफ नोट्स में भी ऐसा ही होगा। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए मैं ऑफिस का व्हाट्सअप नंबर दे दूँ, 9719811101, ये ऑफिस का व्हाट्सअप है जहाँ पर पूरी कॉमर्स की टीम आपकी सेवा में लगी हुई है। तो अब आप व्यवसाय का अर्थ लिखोगे कैसे, उससे पहले व्यवसाय की अवधारणा समझ लो, क्योंकि अवधारणा का मतलब होता है सोच से, और सोच का मतलब होता है प्राचीन काल से एक प्रवृत्ति मनुष्य की चली आई है कि वह दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। किन चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है बहुत ज़्यादा, नंबर एक धन कमाने में, और दूसरा अपना कल का भविष्य संवारने में। अब आप सोचोगे कि सारे मनुष्य तो ऐसा नहीं करते, लेकिन जो बेटा समझदार हैं, जिनके अंदर अपने परिवार को अच्छे से चलाने की क्षमता है, और जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इन दोनों बातों पे काम करते हैं। तो अवधारणा का मतलब होता है सोच से। तो प्राचीन काल से ही एक सोच चली आई है कि हम कोई भी व्यापार करेंगे तो 4 पैसा कमाने के उद्देश्य से करेंगे, इसको ही हम क्या कहते हैं, व्यवसाय की अवधारणा कहते हैं। तो स्पष्ट रूप से हम कहें कि 4 पैसे कमाने का मतलब यहां पर 4 ही पैसे नहीं कमाना, यानी कुछ ना कुछ कमाने के लिए जो भी हम कार्य करेंगे वो हमारा क्या कहलाता है, व्यवसाय कहलाता है। तो ये तो है व्यवसाय की अवधारणा, यानी व्यवसाय की अवधारणा कहती है कि हम कोई भी काम करेंगे और उससे 4 पैसे हम कमाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कई चीज़ें निकल करके आती हैं, मैं अर्थ पे अभी पहुँचूंगा, लेकिन थोड़ा सा और बता दूँ, व्यवसाय जब हम करते हैं तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करती हैं। जैसे आपने सुना होगा एक शब्द व्यवसाय, ओके, अब आपने सुना होगा व्यापार, आपने सुना होगा पेशा, आपने सुना होगा धंधा, ओके, आपने देखा होगा भैया ये हमारा धंधा है, ठीक है, व्यापार है, पेशा है, ठीक है, आपने सुनी होंगी आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं। अब बस यहाँ लिख लेने दो जिससे मैं भूलूंगा नहीं, इनको सबको मैं बता दूंगा अभी। तो यहाँ पर अब व्यवसाय का अर्थ आप कैसे लिखोगे, देखो इस तरह से लिखना कि व्यवसाय को अंग्रेजी में बिजनेस कहते हैं, और बिजनेस शब्द जो है वो बिजी से बना है, और बिजी का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति धन कमाने के उद्देश्य से अपने किसी भी कार्य में व्यस्त रहता है,
तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य है बिजनेस कहलाता है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। अब नई लाइन से आ जाओ, मनुष्य अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करता है, और वो कार्य जो मनुष्य जीवन अपना यापन करने के लिए करता है तो उनके लिए धन कमाने का प्रयास करता है, और धन कमाने के लिए मनुष्य तमाम क्रियाएं करता है। वह कहीं पर मजदूरी भी करता है, कहीं पर क्रय विक्रय करता है, कहीं पर अपना जो है शारीरिक श्रम करके सेवा प्रदान करता है, कहीं मानसिक श्रम करके सेवा प्रदान करता है, डॉक्टर डॉक्टरी करता है, टीचर दूसरे बच्चों को पढ़ाता है, नाई बाल काटता है, और एक कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो रोड के किनारे सड़क पर बैठ करके वो धन कमाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। ये सब अपने अपने कामों में लाभ कमाने के लिए नहीं, धन कमाने के लिए बिजी हैं। इसी को हम उन सबका क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। तो किस तरह से लिखोगे, मानव जीवन जो बना है एक लंबे दौर के लिए बना है, इसको सुगम बनाने के लिए, इसको सरल बनाने के लिए जब कोई व्यक्ति मानवीय हित में कार्य करके धन कमाता है, ये उसका क्या कहता है, व्यवसाय कहलाता है। ओके, अब व्यवसाय में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, देखिए मैं पढ़ा रहा हूं, इसका पीछे अगर आर्थिक उद्देश्य है तो समझ लो कि वो हमारा व्यवसाय बन जाएगा जाकर के। अगर कोई डॉक्टर डॉक्टरी कर रहा है, उसका धन कमाना उद्देश्य है, व्यवसाय बन जाएगा जाकर के। अगर कोई व्यक्ति ठेले पर रख करके कुछ वस्तुओं को बेच रहा है, उसका व्यवसाय बन जाएगा जाकर के। अगर कोई व्यक्ति गली गली घूम करके आपके लिए कोई भी प्रकार की सेवा प्रदान कर रहा है, आपने देखा होगा कि गली में बहुत सारे फेरी वाले इत्यादि आते हैं, उन सबका अपना अपना क्या है, व्यवसाय है। तो व्यवसाय का मतलब सीधा यही है कि भैया जब कोई व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए लाभ कमाने की दृष्टि से या धन कमाने की दृष्टि से कुछ भी कार्य करता है, लेकिन वो कार्य समाज हित में होना चाहिए, वो समाज हित में किए गए कार्य उसका क्या कहलाते हैं, व्यवसाय कहलाते हैं। अब ये समाज हित कहां से घुस गया, भाई चोरी है, डकैती है, मारपीट है, भ्रष्टाचार है, ये भी तो धन कमाने के लिए होते हैं, लेकिन ये मानव हित में ना होने के कारण इनको कभी भी हम व्यवसाय में शामिल नहीं कर सकते। तो इससे स्पष्ट है कि केवल केवल बेसमस्त कार्य जिनका कहीं ना कहीं समाज को लाभ मिले, समाज का कल्याण हो और उन क्रियाओं से धन कमाना, यही चीज हमारी क्या कहलाती है, व्यवसाय कहलाती है। और इस वीडियो के लास्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां से सारे के सारे आप वीडियोस इस पूरे पेपर के क्रम से देखते हुए चले जाओगे, ठीक है, मैं प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा। अब बात आती है कि मैंने इनको क्यों लिखा, व्यवसाय पहले व्यय फिर वसाय, यानी जब भी कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है तो पहले उसके लिए बेटा व्यय करना होता है, और फिर वसाय का मतलब होता है आय, यानी बस आय, ठीक है, यानी व्यय करो फिर इसके बाद में रुको और इसके बाद में आय पैदा होगी, ठीक है। तो यहीं पर व्यवसाय का मतलब भी कहीं ना कहीं बताते हैं कि आय होगी, पहले व्यय फिर आय होगी। अब व्यापार करने का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना, व्यापार में बेटा लाभ कमाना होता है, ठीक है। पैसे का उद्देश्य क्या होता है, आय कमाना। धंधा का उद्देश्य क्या होता है, जीवन यापन करना। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, धन कमाने के लिए होते हैं। इन सब को व्यवसाय के अंदर ही शामिल किया जाता है, ये बताना था मेरे को, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये कुछ चीजें अलग हैं। व्यवसाय में ये सारी चीजें शामिल है, इन सब का टोटल ही क्या कहलाता है, व्यवसाय कहलाता है। ओके, व्यापार केवल लाभ कमाने की दृष्टि से किया जाता है, इसमें क्रय विक्रय होता है। पैसा, इसमें क्रय विक्रय नहीं होता है, इसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं। धंधा, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है का मतलब आपने देखा होगा कि बेवकूफ बनाने का भी उसने धंधा अपना लिया है। तो इसमें व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए चाहे रोड पे वर्क करे, चाहे ठेला मतलब चलाए, चाहे भीख मांगे, यानी कहने का मतलब है कि सबके अपने अपने धंधे हैं। चाहे कोई मजदूरी करे, चाहे किसी व्यक्ति में डलिया बुन के कढ़ाई बुनाई सिलाई इत्यादि करके, आर्थिक क्रियाएं वो सब क्रियाएं हैं जिनका सीधा सा उद्देश्य लाभ कमाना हो। तो व्यवसाय में जो हम बात कर रहे थे बिजी रहने में, अनार्थिक क्रियाओं को हटा दो, आर्थिक क्रियाओं को केवल शामिल कर लो, तो इन सब का योग ही हमारा क्या कहलाता है, व्यवसाय कहलाता है। और ये इस तरह का आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। धंधा जल्दी समझ में नहीं आता है बच्चों के, देखो धंधा में क्या होता है, इसमें रिस्क नहीं होता है, नो रिस्क, ऐसे करके समझो। यानी कोई व्यक्ति जब अपना शारीरिक मानसिक या कोई ऐसा काम लेकर के बैठ जाता है जिससे केवल वो धन कमाता है, ठीक, और इसमें रिस्क जो होता है ना के बराबर होता है। जैसे आपने देखा होगा रोड किनारे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं,
ठीक है, वो क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जूते चप्पल पे पॉलिश करने वाले बैठे हुए होते हैं मोची लोग, उनका क्या रिस्क है मुझे बताइए। सुबह शाम तक जो भी कस्टमर्स आएंगे उनके लिए देखे ही जाएंगे, थोड़ा बहुत तो इन्वेस्ट इनका हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान में नहीं जा सकते। इसी तरह से फेरी वाले हैं, सब्जी वाले, नुकसान थोड़ा बहुत तो हो सकता है लेकिन अर्निंग भी वहाँ पर होती है। तो जब कोई व्यक्ति इस तरह का वर्क करता है तो उसका क्या होता है, धंधा कहलाता है। पैसा जब कोई विशेष ज्ञान के आधार पर दूसरों को सेवा करता है, पैसा कहलाता है। व्यापार जब हम कोई वस्तु को पहले खरीद के लाते हैं फिर बेचते हैं तो वो चीज हमारी क्या है, व्यापार कहलाती है। आर्थिक क्रियाएं जैसे ब्याज पर पैसा उठाना, बोलो इनमें से कौन सा है, ठीक है, ब्याज पर पैसा उठाना आर्थिक क्रिया है क्योंकि ब्याज मिलेगा तो धन की आय मतलब बढ़ेगी। तो इस तरह से ये था हमारा क्या, व्यवसाय का अर्थ। अब धारणा हो गई, अर्थ हो गया, विशेषताएं, इसके लिए हम पूरी वीडियो बनाएंगे। महत्व, इम्पोर्टेंस भैया बहुत है, अगर व्यवसाय नहीं होगा तो समझ लीजिए कि हमारा देश भी तरक्की नहीं कर पाएगा, हम भी अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, हम अपने बच्चों को आने वाले समय में अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, अच्छे से उनके लिए जीवन यापन करना नहीं सिखा पाएंगे, नई नई चीज़ों की हम अनुभूति नहीं कर पाएंगे। प्रकृति जो होती है व्यवसाय की, वो कला और विज्ञान दोनों होती है, कला व विज्ञान, ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और विकास की अवस्थाएँ, ये हम पूरा एक वीडियो बनाएंगे, इन सब के आपको इसी के आगे से वीडियोस मिलते हुए चले जाएंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपके लिए बोरिंग हो जाएगी। तो विकास की जो अवस्थाएं हैं वो 6 हैं। सबसे पहला जो स्थिति थी वो थी आखेट योग। आखेट युग का मतलब है कि मनुष्य एकदम जंगली था, जानवर की तरह जीवन जीता था, वो भी जंगलों में, कोई उसका घर नहीं था, और मनुष्य मनुष्य को भी मार के खा जाता था, ये पहली अवस्था थी। लेकिन धीरे धीरे उसमें बुद्धि आई, बुद्धि आने के बाद में उसका डेवलपमेंट हुआ, और जब डेवलपमेंट हुआ तो उसने क्या काम किया कि पशुओं को मारने की जगह उनको पालना शुरू कर दिया, तभी आया पशुपालन योग। अब पशुओं को पाला तो भैया चारा देना पड़ेगा, तभी आ गया कृषि योग, और कृषि योग आया तो खेती करने के औजारों की जरूरत पड़ी, तभी आ गया दस्तकारी योग, और जब दस्तकारी योग आ गया इसके बाद में क्या हुआ कि भाई कुछ लोग अपने आप के लिए मिस्त्री समझने लगे, कुछ अपने के लिए कारीगर समझने लगे, और उन्होंने छोटे छोटे उद्योग धंधे शुरू कर दिए, तभी आ गया औद्योगिक युग, और औद्योगिक युग के बाद आज का जो चल रहा है वर्तमान तकनीकी एवं औद्योगिक युग में हम जी रहे हैं, जो कुछ भी दुनिया में देख रहे हैं सब मशीनों का, फैक्ट्रियों का बना हुआ है, कुछ भी अब घर का बना हुआ नहीं है। तो हम इस समय 6 स्टेज में जी रहे हैं। 6ठी स्टेज में वर्तमान औद्योगिक एवं तकनीकी युग है, जिसमें इंटरनेट के माध्यम से आप, मैं नहीं जानता कि आप कहाँ हो कहाँ नहीं, लेकिन इतना मेरे को आप लोग सपोर्ट करते हो, प्यार देते हो, भाई आप सभी लोगों को नमन, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो ये सब चीजें तकनीकी के द्वारा ही हुई हैं। ओके, हम कभी आपके दर्शन नहीं कर पाते, आप हमारे नहीं कर पाते, लेकिन टेक्निक की ही देन है कि आप जहां कहीं पर भी हो आप वहां से हमारे लिए देख रहे हो। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि आप अपना जीवन बहुत अच्छे से संभाल लीजिएगा, आपको जहां से पढ़ने में अच्छा लगे आप वहां पर पढ़ाई कीजिएगा, लेकिन पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ाई से ही आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और बेटा रह गई कि व्यवसाय की परिभाषा, व्यवसाय की परिभाषा देखो मैं भूल गया, मैं बहुत भुल्लड़ हूँ, ठीक है, और यहाँ पर परिभाषा के लिए मैं बता दूँ, प्रोफेसर जो हैने हैं उन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है, और वो परिभाषा उन्होंने जो दी है वो छोटी सी भी है और अच्छी भी है, लेकिन आप जिस परिभाषा को चाहोगे उसको लिख सकते हो। परिभाषा कभी भी डालो तो इस तरह से डालना, व्यवसाय की परिभाषा। ओके, व्यवसाय की परिभाषा जैसे ही आपने हेडिंग डाली, यहाँ से इस लाइन ये जा रही इसमें मन नहीं, उसके नीचे से डबल इन्वर्टेड कामा करके लिखा करो, जैसे जो शब्द हैं वो एकदम क्लियर दिखें, और इसको ब्लैक पेन से ही लिखा करो, किसी भी परिभाषा हो उसको ब्लैक पेन से ही आप लिखा करो। और क्या है इसकी परिभाषा, व्यवसाय की परिभाषा इसकी इस तरह से है, व्यवसाय से आशय उन मानवीय क्रियाओं से है। देखो ये हैने जी ने परिभाषा दी है कि व्यवसाय से आशय, ये याद भी आपको अभी हो जाएगी, व्यवसाय से आशय उन मानवीय क्रियाओं से है जो वस्तुओं को क्रय विक्रय, भाई वस्तुएं होंगी उनका हमें क्या करना होता है, क्रय विक्रय से धन उत्पन्न करने या प्राप्त करने के लिए
की जाती हैं, और डबल इन्वर्टेड कामा बंद कर दो, और ये यहां पर ऐसे लिख दिया करो लास्ट में जाके प्रोफेसर हैने। इनकी परिभाषा मुझे बहुत सरल लगती है, क्योंकि उन्होंने कहा व्यवसाय से आशय उन मानवीय क्रियाओं से है जो वस्तुओं को क्रय विक्रय करने से, वस्तुओं को क्रय विक्रय करने से धन उत्पन्न करने या प्राप्त करने के लिए की जाती हैं, इसके लिए हम क्या कहते हैं व्यवसाय कहते हैं। ठीक है, ये नहीं लिखना है, इसको हम व्यवसाय कहते हैं, मतलब ऊपर ये आ गया व्यवसाय से आशय है उन मानवीय क्रियाओं से जो वस्तुओं क्रय विक्रय करने से धन उत्पन्न करने या प्राप्त करने के लिए की जाती है, और ये दोनों शब्द बेटा लिखने हैं इनकी परिभाषा में, धन उत्पन्न करना या प्राप्त करना। उत्पन्न करने का मतलब हमने कोई चीज बनाई उसे धन हमें मिलेगा कुछ ना कुछ, और प्राप्त करने का मतलब है कि किसी भी वस्तु के लिए हमने क्या किया कि जब उसके लिए हमने पहले खरीदा बाद में बेच दिया तो हमें ज्यादा पैसा मिलेंगे, तो इसलिए या तो उत्पन्न करना या प्राप्त करना, ये हैने ने रखा है। तो कैसा लगा ये क्लास जरूर कमेंट में लिखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।